नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। कोरोना से बड़ी चिंता, देश में फिर 43,000 से ज्यादा आए नए कोरोना के केस, केरल में सर्वाधिक केस हुए दर्ज। केरल में कोरोना की तीसरी लहर की आहट, लगातार दूसरे दिन 22,000 से ज्यादा मामले आए सामने। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख में बादल फटने से 17 लोगों की मौत, अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की बात। टीएमसी ने त्रिपुरा की बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, निरंकुश सरकार चलाने का लगाया आरोप। ट्विटर पर पीएम मोदी बने सबसे लोकप्रिय नेता, फॉलोअर्स की संख्या 70 मिलियन पहुंची। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के सांसदों को सौंपी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी, नए केंद्रीय मंत्री निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल में, अब तक 581 एम्बुलेंस कर्मी बर्खास्त, सभी डीएम को एम्बुलेंस की चाबी जमा कराने के निर्देश। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए नई गाइडलाइन जारी, एक बूथ पर रहेंगे 1200 वोटर। भाजपा नेता व पूर्व सीएम उमा भारती ने राकेश टिकैत को दी सलाह, खत्म ना करें किसान आंदोलन की गरिमा। बुलंदशहर में पारिवारिक कलह के चलते नहर में कूदी महिला, पुलिस ने गोताखोरों की मदद से निकाला शव। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के कुल मामले 19.5 करोड़ से ऊपर पहुंचे, 41.80 लाख लोगों की हुई अब तक मौत। अमेरिका में चीन के नए राजदूत नियुक्त हुए किन गोंग, दोनों देशों में तनावपूर्ण संबंध के बीच संभाली है कमान। मैक्रो की जासूसी पर फ्रांस ने की इजराइल से बात, कहा जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर गलत हाथों में न जाए। नासा ने अंतरिक्ष से ली टोक्यो ओलंपिक की लाइटिंग की तस्वीर, शानदार तस्वीर सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। तालिबान पर इमरान मेहरबान, कहा तालिबानी लोग आतंकी नहीं, आम नागरिक हैं। पृथ्वी शॉ और हार्दिक पांड्या सहित भारत के 9 क्रिकेटर आइसोलेशन में, जरूरत पड़ने पर नेट बॉलर्स का हो सकता है इस्तेमाल। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची, सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 12 डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड को हराया। भारतीय हॉकी की पुरुष टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची, 3-1 से अर्जेंटीना को हराया, भारत ने अंतिम 4 में बनाई जगह। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के 11 विद्यार्थी टोक्यो ओलंपिक में ले रहे हैं भाग, पदक जीतने पर विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करेगा एलपीयू। देवदत्त पडिक्कल को मिला टीम इंडिया के लिए डेब्यू का मौका, आईपीएल में जड़ चुके हैं शतक। श्वेता तिवारी को सेशन कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, पति अभिनव कोहली ने लगाए थे बेटे रेयांश के पासपोर्ट में फर्जी हस्ताक्षर कराने के आरोप। अक्षय कुमार ने कश्मीर के गांव में जर्जर स्कूल के पुनर्निर्माण के लिए दान किए थे 1 करोड़, अब एक्टर पिता के नाम पर रखी गई है आधारशिला। सलमान खान स्टारर भाईजान 2022 में दिवाली पर होगी रिलीज, फरहाद सामजी के निर्देशन में बन रही है ये फिल्म। कैप्टन इंडिया के लिए हवाई जहाज उड़ाना सीखेंगे कार्तिक आर्यन, कार्तिक जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग की करेंगे शुरू, फिल्म का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज।
2021 के आखिर तक शुरू होगा पुलकित सम्राट अली फजल स्टारर फुकरे 3 की शूटिंग। कोविड के चलते फिल्म की शूटिंग को किया गया पोस्टपोन। 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।